नॉट, एक्स नॉट से हम बिगिनिंग करते हैं और एक्स नॉट प्लस एन एच तक हम वर्क करते हैं। एक्चुअल में ऐसे होता है, एक्स नॉट पे कुछ होगा ही, एक्स नॉट प्लस एच पे कुछ होगा ही, एक्स नॉट प्लस टू एच पे कुछ होगा ही, और सिमिलरली एक्स नॉट प्लस एन एच पे कुछ होगा ही। ठीक है, यदि ये बिगिनिंग है, ऐसा भी कई बार बोला जाता है, जैसे ए से बी, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तुमसे बोला गया होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करिए, मेथड्स मेंशन होती हैं, चार मेथड्स हमें करना है, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स थ्री एट रूल्स और वेडल मेथड। एच निकालने का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए डिवाइड में एन। एन का मतलब होता है, पार्ट, और यदि हमने पार्ट एन किया है तो ऑर्डिनेट कितने बनेंगे, एन प्लस वन, एक ज्यादा ऑर्डिनेट बनेगा क्योंकि वाई जीरो से स्टार्ट है, वाई जीरो से स्टार्ट है तो एक ज्यादा ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई की वैल्यू। ठीक है, एन का मतलब क्या है, पार्ट, एन कितना होगा, ऑर्डिनेट से एक कम, यदि ऑर्डिनेट सात है तो एन क्या होगा, सिक्स। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया जीरो टू सिक्स एफ एक्स डी एक्स, एच कैसे निकालें हम, सिक्स माइनस जीरो डिवाइड बाय, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसके कितने पार्ट करना चाहते हो, तुम चाहो तो 12 पार्ट कर सकते हो, पर तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम प्रयास करोगे कि एच की वैल्यू सादी सिंपल मिल जाए, यदि मैं यहाँ 6 रख दूंगा तो एच की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब हमने कितने पार्ट कर लिए, 6 पार्ट कर लिए, एच की वैल्यू क्या है, 1 है, कितने ऑर्डिनेट मिलेंगे, 7, नॉट पे बाय नॉट, एक्स वन पे बाय वन, एक्स टू पे बाय टू, कहां तक मिलेंगे, x 6 पे y 6, और ये जो x 6 पे y 6 है ये 7th ऑर्डिनेट है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार हमें ऑर्डिनेट मिल गए तो हम पूरा काम कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड, वो भी लगा सकते हैं और बाकी के सभी फार्मूला भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ ट्रेपेजॉइडल मेथड इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन पाने के लिए मैं ए से बी ले लेता हूँ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स पाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एच बाय टू करना है, क्या करना है बच्चों, एच बाय टू करना है, पहली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को जोड़ देना है, मान लेते हैं पहली वैल्यू वाई जीरो है, दूसरी वैल्यू वाई एन है, दोनों को जोड़ देना है, क्या समझे बच्चों, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को जोड़ देना है, बाकी सब वैल्यू में दो का गुणा करके एक जोड़ देना है, बाकी सब वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। याद कर पाओगे इसको, बहुत आसान है याद करना, एच बाय टू फर्स्ट और लास्ट, 2 का मल्टीप्लाई करके बाकी सब, है आसान याद करना। दूसरा रूल है बच्चों सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होगा एज नेम सजेस्ट वन थर्ड, तो एच बाय थ्री यूज करते हैं यहाँ पे, और एच बाय थ्री के साथ बेटा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐड करते हैं यहाँ, इसके बाद बेटा 4 का मल्टीप्लाई करते हुए हम सभी ऑड वैल्यूज लिखते हैं, और बेटा 2 का मल्टीप्लाई करते हुए सभी इवन वैल्यूज लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम याद करने में, यदि बाय एन एक बार हमने यूज कर लिया तो बाय एन दोबारा नहीं लिखेंगे, इवन हो या ऑड हो डजंट मैटर। सिम्पसन्स 3/8 रूल एज द नेम सजेस्ट, हम यहाँ पे यूज करेंगे 3h बाय 8, और साथ ही साथ सबसे पहले y 0 प्लस y है, इसके बाद बेटा 3 लिखकर सभी वैल्यू, 3 लिखकर सभी वैल्यू, लेकिन 3 का मल्टीपल मत लेना, 3 लिखकर सभी वैल्यू लेकिन 3 का मल्टीपल ना लेना, 2 लिखकर 3 का मल्टीपल, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, सबका एक प्रॉपर लिंक है। सर जिस टर्म को एस्केप करेंगे उसी के साथ 2 के साथ, मतलब उसका मल्टीपल तो हो रहा है ना, जो आपने 3
अंदर लिखा है y1 plus y2 3 से मल्टीपल हां 3 वाला हमने मल्टीपल नहीं लिया अच्छा 3 का मल्टीपल 3 by 3 by 6 by 9 वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे अच्छा सर जी वेनल रूल में बेटा 3h by 10 आता है सबसे पहले तो इसके बाद क्रम से लिख दो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y लिख दिया क्रम से प्लस का साइन लगा दो लगा लिया इसके बाद याद करो 15 16 15 क्या याद करो 15 16 15 लिख दो 1 5 1 6 दो फिर पांच एक छह पांच पंद्रह सोलह पंद्रह के बाद टू और टू के बाद फिर पांच एक छह हमारे पास फोर मेथड्स हैं सबसे पहली मेथड है ट्रेपेजॉइडल मेथड ट्रेपेजॉइडल मेथड में बच्चों इस टाइप का इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है इस फॉर्मूला से h by 2 y 0 plus y n plus 2 all other terms okay second method is Simpson's one third rule Simpson's one third rule में सेम इंटीग्रेशन ओपन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं h by 3 y naught plus y n 4 into odd 2 terms 4 in 4 into odd terms plus 3 into 2 into even 2 into even terms इसके बाद हमने सीखा था सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या किया था बच्चों इसमें इंटीग्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने 3h by 8 y0 plus yn फिर प्लस 3 और फिर 3 के मल्टीपल्स लिए थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे उसमें नहीं आएंगे क्या आएंगे सब आएंगे पर 3 के मल्टीपल ओके वेरी गुड 3 के मल्टीपल आ जाएंगे 2 के 3 के मल्टीपल ऐड हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई होकर लास्ट है वेडल रूल वेडल रूल में हमने क्या किया है इंटीग्रेशन 3h/10 3h/10 फिर y1 y0 y1 5/1 फिर y हाँ तुम लोगों ने 15 16 15 करके याद किया था y0 plus 5 by 1 plus 1 by 2 plus 6 by 3 plus 1 by 4 plus 5 by 5 and so ठीक है इसके बाद फिर 2 by 6 से लिखनी होगी फिर similarly हम लोग work कर सकते हैं So these are four methods by using which we can solve an integration numerically. Problem number 13 में बोला गया है function तुम्हारे पास है 1 divided by 1 plus x square. Picture में integrate करना है 0 to 6 में 1 divided by 1 plus x square. Do you have calculator with you? Calculator तुम्हें सामने रखना चाहिए. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ordinate decide करते हैं. A to B, A is 0, B is 6. A मेरे पास 0 है, B 6 है, ठीक है? हमने डिस्कशन किया था h निकालने के लिए हम b minus a डिवाइड में n करते हैं, 6 minus 0 डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो ऐसा करने से h बना आता है, और आसानी से हम वैल्यूज निकाल पाएंगे, और यदि बाय वे b minus a 6 है, तो ऑर्डिनेट 7 होंगे n की वैल्यू 6 है तो ऑर्डिनेट n प्लस 1 के इक्वल होगा मतलब 7 होगा सबसे पहले हम x बिगनिंग कहां से करेंगे a से कहां से बिगनिंग करेंगे बच्चों
a से, a कितना है जीरो, जीरो पर फंक्शन फाइंड कर लो तुम्हें y मिल जाएगा, x की जगह जीरो रखोगे फंक्शन क्या मिल जाएगा वन। अब h की जगह वन है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरे पास, जीरो प्लस वन मतलब वन हो जाएगा। वन पे फंक्शन चेक करो, वन डिवाइड बाय वन प्लस वन स्क्वायर मतलब वन डिवाइड बाय टू मतलब 0.5 हो जाएगा। इसके बाद बेटा टू पे चेक करो फंक्शन को, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, जल्दी फास्ट। टू पे तो पॉइंट ऑब्वियस है 1/5 आएगा, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2। थ्री पे कितना आएगा 1/10, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, 0.06। 5 पे आ जाएगा 1/26, 0.03। यहां से तुम्हें पता चल गया y0=1, y1=0.5, y2=0.2, y3=0.1, y4=0.06, y5=0.04, y6=0.02। ये सभी वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड। इन चारों फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, मतलब एक के बाद एक आया होगा ना? हाँ बेटा, एक्यूरेसी मैटर्स। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन से फॉर्मूले में होती है? अब बेटा एक्यूरेसी डिसाइड हम कर सकते हैं, ये एक टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट करो, इसकी डायरेक्ट करके वैल्यू निकालो, और एरर एक्चुअल में डिसाइड करेगा कौन ज्यादा एक्यूरेट है, जिसमें एरर सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, और फंक्शन पे भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ठीक, ये क्वेश्चन तुमने पूछा, इसका आंसर तुम खुद निकाल पाओगे। ये एक्चुअल में टेन इनवर्स एक्स है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए, ए की जगह वन है तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जीरो टू सिक्स लिमिट में सॉल्व कर लो, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर ट्रेपेजॉइडल से चेक करो कौन ज्यादा नियरेस्ट है। ट्रेपेजॉइडल में क्या करना चाहिए हमें, सेम इंटीग्रेशन 0 टू 6, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या रहेगा, h बाय 2 मतलब 1/2, y 0 प्लस y है मतलब 1 प्लस 0.03। इसके बाद 2 इंटू बाय 1 मतलब 0.5, बाय 2 मतलब 0.2, बाय 3 मतलब 0.1, बाय 4 मतलब 0.06, बाय 5 मतलब 0.04। करो सॉल्व जल्दी, बोलो आंसर कितना है। पूरा फॉर्मूले का खेल है बच्चों, यू मस्ट रिकॉल द फॉर्मूला 1.445। बेटा फॉर्मूला लगा दो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का, h बाय 3 y 0 प्लस y 1 प्लस 0.03 प्लस 4 इंटू y 1 0.5 प्लस y 3 0.1 प्लस y 4 क्या आएगा, ऑड आएगा y 5 0.04 प्लस 2 इंटू इवन आएगा, इवन क्या है 0.2, y 2 इवन है, y 4 क्या y 6 आएगा, नहीं आएगा, आज ऑलरेडी आ चुका है y 6। सॉल्व करो इसे, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का यूज कर लिया हमने, h बाय 3 y 0 प्लस y n मतलब 1 प्लस 0.03, 4 y 1 प्लस y 3 और टर्म्स आएंगे, y 1 प्लस y 3 प्लस y 5, 2 इंटू इवन टर्म्स y 2 प्लस y 4, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx 3h बाय 8। इसके बाद y0 प्लस ये वाला फॉर्मूला, क्या है y0 1, क्या है y n 0.03, फिर 3 y1 by 2 by 4 लिख लो, y1 by 2 by 4 फिर y5 फिर इसके बाद 2, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल केवल कौन मिलेगा 0.1, 6 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 6 को वायन में ले चुके हैं। कर लो इसको सॉल्व, खेल गए तुम, 1.3613, वेरी नाइस।
लास्ट वेडल फार्मूला लगा दो, वेडल रूल। बेटा ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक फार्मूले का खेल है, यू मस्ट रिकॉल योर फार्मूला। ये मतलब ये जीरो, हाँ स्टार्टिंग ऐसे करते हैं और एच एड करते चलते हैं, समझ गए। फोर्थ, जीरो टू सिक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री इंटू एच वन आ गया, टेन वाई जीरो की जगह जीरो पॉइंट वाई जीरो की जगह वन प्लस फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू प्लस सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन आ जाएगा, नहीं जीरो पॉइंट वन। फिर बच्चों वाई फोर मतलब जीरो पॉइंट जीरो सिक्स, फिर फाइव बाय फाइव मतलब फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर, फिर क्या होगा बोलो, टू आ जाएगा, टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री। सॉल्व करो इसको, आंसर बोलो। इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो टू सिक्स, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, जीरो टू सिक्स ये आ जाएगा टेन इनवर्स सिक्स माइनस टेन इनवर्स जीरो। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, पूछा गया है कि नहीं, कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू, कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू पूछा गया है। अब तुम टेन इनवर्स जीरो और टेन इनवर्स सिक्स पे वैल्यू चेक कर सकते हो। टेन इनवर्स जीरो तो सब लोग जानते ही हो, क्या होता है टेन इनवर्स जीरो, जीरो जीरो होता है, वेरी गुड। तो ये आ गया तुम्हारे पास 1.4056। अब तुम चेक कर लो कौन ज्यादा एक्यूरेट है, 1.3860। ओके ये बेटा जनरल मेथड जो हम लोग इलेवन ट्वेल्थ में करते थे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, एक ही जगह वन है। क्वेश्चन में बोला है बेटा बेटा ट्रेपेजोइडल, ये कौन सी मेथड से है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ये सिम्पसन्स थ्री एट रूल और ये वेडल मेथड।